आज जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार करते हुए बीजेपी गवर्नमेंट पे बहुत सारे इल्जाम आयद किए। इनका कहना है कि बीजेपी ही आए दिन नए बहानों के साथ इलेक्शंस को टालना चाहती है। आइए देखते हैं ग्रोइंग कश्मीर की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में यहाँ के आवाम को पॉपुलर गवर्नमेंट से वंचित किया जा रहा है बीजेपी की सरकार द्वारा। इलेक्शंस को किसी न किसी प्रिटेक्स्ट के ऊपर डिले किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। पहले कहा जाता था हालात साजगार नहीं है, अब कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन नहीं हो रही है। अगर डिलिमिटेशन नहीं हो रही है उसका दोष भी अपोजिशन पार्टीज को दिया जा रहा है, जो हाल ही में बयान दिए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन 2014 की जब हुई उस दौरान यह वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द डिलिमिटेशन करवाई जाएगी, सीटों की जो एलोकेशन है दोनों रीजन्स में उसमें जो इम्बेलेंसेस हैं उनको रेक्टिफाई किया जाएगा, जम्मू को ज़्यादा सीटें दी जाएंगी। यही इनका पोल प्लैंक था 2014 की इलेक्शन में। लेकिन सरकार में आने के बावजूद भी डिलिमिटेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी काम 6 वर्ष तक नहीं किया। 2014 से लेकर 2020 तक जो है ये खामोश बैठे रहे। जब शोर लोगों ने फिर दोबारा उठाया तो 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया मार्च में, और अब 2021 एक साल गुजर गया है जब डिलिमिटेशन कमीशन का टर्म भी 6 मार्च को खत्म होने वाला है, लेकिन डिलिमिटेशन कहीं भी नहीं है। इस संदर्भ में कोई भी प्रयास तक नजर नहीं आता है कि जो इस कमीशन द्वारा किया गया हो, मासवाय इसके कि एक एसोसिएट मेंबर्स की मीटिंग बुलाई गई, वो भी जब पैंथर्स पार्टी ने आवाज बुलंद की एक साल में डिलिमिटेशन कमीशन की कोई भी कारकर्दगी देखने को नहीं मिल रही है। और अब जब नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर भी बन रहा है बीजेपी सरकार के ऊपर, जो 27 मुल्कों के डेलीगेट्स यहाँ एम्बेसडर्स आए हुए थे उन्होंने भी ये बात की तरफ इशारा किया कि लोगों को जमहूरी निज़ाम से वंचित किया जाना सरासर गलत है। तो अब ठीकरा फोड़ा जा रहा है अपोजिशन के सिर पर कि वो डिलिमिटेशन में सहयोग नहीं दे रहे हैं, एसोसिएट मेंबर्स नहीं आए। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया कानून के मुताबिक होनी चाहिए, इसमें कोई आता है या नहीं आता है इससे कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया टाइम बाउंड मैनर में संपन्न होनी चाहिए थी। 6 मार्च 2021 तक यह मसला जो है डिले होने के बावजूद भी कंप्लीट होना चाहिए था, मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई भी कार्रवाई जो है वो नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा लगता है ना तो डिलिमिटेशन होने देना चाहती है, ना असेंबली इलेक्शन होने देना चाहती है, और इसी तरीके से प्रॉक्सी रूल को जम्मू कश्मीर में कंटिन्यू रखना चाहती है, जिसका पैंथर्स पार्टी सख्त कंडेम करती है और ये डिमांड करती है कि टाइम बाउंड मैनर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है वो मुकम्मल हो और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, क्योंकि एक इलेक्टेड चुनी हुई सरकार की लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती है। थोपी हुई सरकार कभी भी लोगों की अपेक्षाओं को जो है वो पूरा नहीं कर सकती और ना ही उनको एस्पिरेशंस को कभी एड्रेस कर सकती। हरी जी, हाल ही में